Hi everyone, this is Ramya. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna share with you eye makeup tutorial. और तो आज हम quick makeup करेंगे और तो चलिए video start करते हैं. तो start कर रही मैं concealer से makeup. तो already मैंने skin care कर रखा था इसलिए मैं concealer से start कर रही हूँ. तो मैं apply करी concealer और इसे अच्छी तरीके से हम blend कर लेंगे. Blend करने के बाद मैं apply कर रही हूँ green shade. डार्क ग्रीन शेड और उसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये ग्रीनी स्मोक आउट स्मोकी लुक आए. और अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे. तो यहाँ मैंने ग्रीन शिमरी आई शेडो लिया है, मैंने मैट शेड नहीं लिया है. और इसे अच्छी तरीके से हम पूरा अप्लाई कर लेंगे. और इसके बाद मैं लूँगी पिंक शेड. पिंक शेड लेने मैंने लिया यहाँ पे दूसरा ब्रश ताकि ये दोनों शेड आपस में मैच मिल ना जाए, इसलिए मैंने दूसरा क्लीन ब्रश लिया. उसकी हेल्प से मैं पिंक शेड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा पिंकी शेड आ रहा है. तो दोनों शेड का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है. और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर कंसीलर. तो यहाँ हम करेंगे कट क्रीज. और ये मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रश ले लिया था बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बट ये अच्छे तरीके से हो गया कट क्रीज. अगर आप बिगनर हो तो आपको कट क्रीज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक दो बार ही ऐसे ट्राई करना और इजी है, आ जाएगा. ये स्पून वगैरह लेके मत करना क्योंकि वो ज़्यादा लफड़ा है, दिखाने में लगता है कि हाँ ये दो सेकेंड में हो जाएगा, एक सेकेंड में हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. वो फॉल्सी वीडियोज़ होती हैं कि जो दिखता वो होता नहीं है. तो आप ऐसे स्पून वगैरह लगा के मत ट्राई करना. और यहाँ पे मैं ले रही लाइट ग्रीन शेड और उसकी दूसरा मैंने ब्रश लिया, उसकी हेल्प से मैं अप्लाई करूँगी कट क्रीज पे कंसीलर पे. और ये अच्छी तरीके से काफ़ी ये अप्लाई हो जा रहा है. जब भी आप कट क्रीज पे अप्लाई करते हो या फिर आईलिड पे तो आप एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया करो, ग्लिटर भी हुआ चाहे कोई भी हुआ, ये काफ़ी इजीली अप्लाई हो जाता है. और हमेशा अगर अलग अलग शेड आप अप्लाई करते हो तो ब्लेंड जो ब्रश होते हैं वो चेंज कर दिया करो क्योंकि शेड मिल जाएंगे आपस में तो वो अलग अलग डिफरेंस नहीं दिखेगा. और मैं यहाँ पे थोड़ा अपना आईब्रोज़ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. मैंने एक ट्रिक देखी थी रील्स पे कि इससे आपकी आईब्रोज़ काफ़ी थिक दिखेंगे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं. तो थोड़ी देर हम ड्राई होने देंगे, तब तक मैं अप्लाई कर रही आईलाइनर. तो यहाँ पे मैं पॉक्स शेप आईलाइनर अप्लाई कर रही. पहले मैं पीछे से विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करूँगी, उसके बाद मैं आगे की तरफ आईलाइनर अप्लाई करूँगी बहुत ही पतला शेड, और उसके बाद यहाँ फॉक्स आई शेप दूँगी जैसा कि इस वीडियो में मैं कर रही हूँ. और इसके बाद मैं अप्लाई करी मस्कारा. तो हाँ, ये ट्रिक तो काम करती है. मैंने अप्लाई करा तो मुझे डिफरेंसेस दिखे. मैं रेगुलर जो मस्कारा अप्लाई करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग और कंसीलर अप्लाई करने के अकॉर्डिंग, तो ये सच में है काम करती है. तो आप लोग ट्राई कर सकते हो. अगर आपकी आईब्रोज उतने थिक नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो. ये ट्रिक सच में काम करती है और बहुत अच्छा है कि जिसने भी ये किया था फर्स्टली तो बहुत अच्छा किया था. अब मैं मस्कारा से आईब्रो सेट कर रही हूँ और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही प्राइमर. तो आप थोड़ा सा प्राइमर लेंगे और उसकी हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, जो भी पोर एरिया है नोज़ के पास, वो हेड चिन पे. और यहाँ पे मैं अप्लाई करी फाउंडेशन. फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे. और अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपका मेकअप केकी हो जाता है, तो आप अच्छी तरीके से स्किन केयर करें, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं और जो भी मिल्क से बनी हुई चीज़ें वो सब अवॉइड करें. और मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ली फाउंडेशन को. अगर गर्मियों का टाइम है तो खास करके स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जा रही है तो आप मैट फाउंडेशन अप्लाई करो और अच्छी तरीके से स्किन केयर करो और ऑयली फूड अवॉइड ही कर दो. और अब मैं अप्लाई करी कॉन्टोर. कॉन्टोर अप्लाई करेंगे हम. और मैंने सोचा था कि मैं लिक्विड कॉन्टोर अप्लाई करूँगी बट मुझे मेरे एक्ने अभी भी कुछ है और कॉन्टोर की वजह से तुरंत आ जाएंगे, इसलिए मैं ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ. तो इसकी वजह से थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है फेस पे, लेकिन जब मैं लिक्विड कॉन्टोर यूज़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पिंपल आ जाते हैं, शाम तक या अगली सुबह तो मुझे आ ही जाते हैं. तो यहाँ पे मैं नोज़ कॉन्टोर कर रही.
मैं अप्लाई करी ब्लश। और जब भी आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्रश यूज़ किया करो, और इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट्स मैच नहीं करेंगे, आपस में मिल लेंगे नहीं। और इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा लूज पाउडर अपने अंडर आईडिया पे, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है मुझे नीड है वहाँ पे। ब्लश के बाद मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर। तो यहाँ मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही अपने चीक बोन, नोज, फो हेड, चिन पे, ताकि एक शाइनिंग अच्छा लुक आए। बहुत ज़्यादा हाइलाइटर ना अप्लाई कर ले, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो लुक अच्छा दिखता भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा शाइनी वो भी हाइलाइटर नहीं अच्छा लगता है। और अब मैं अप्लाई कर रही लिपस्टिक। तो यहाँ पर मैं न्यूड शेड अप्लाई कर रही, और क्योंकि मेरी आईज थोड़ी ड्रामेटिक है इसलिए मैं लिप्स न्यूड रख रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो जो आपको पसंद आए आप वो लगा सकते हो। और इसे हम अप्लाई कर लेंगे। मैंने सोचा दो शेड मैं अप्लाई करूँ बट मैंने नहीं किया बाद में। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेकअप फिक्सर, और ये हुआ मेरा मेकअप कम्प्लीट। अगर आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, मुझे ये लुक सच में बहुत अच्छा लगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।